नमस्कार, आप देख रहे हैं GNI न्यूज। GNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपेक्षा यादव। कोरोना महामारी को देखते हुए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। जहां है आपकी नजर वहां है GNI न्यूज की खबर। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर, 29 को चौथे चरण का मतदान। SP कौशाम्बी ने कहा, चुनाव में गड़बड़ी की तो होगी FIR दर्ज। कौशाम्बी में चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, BDC, ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव होने हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह लगातार अपने पुलिस जवानों के साथ गांव की गलियों में जाकर मतदाताओं को भरोसा दिला रहे हैं कि बिना भय के आप लोग मतदान करें। किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं कौशाम्बी से संतोष कुमार यादव की एक खास रिपोर्ट। सच वही जो GNI न्यूज दिखाए। न तो मतदाताओं को प्रलोभन देगा, न किसी प्रकार के मादक पदार्थ की बिक्री करेगा। गाँव वासियों को, सभी को सूचित किया जा रहा है कि विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई है। किसी भी प्रकार का न तो रुपए पैसे देने में प्रलोभन में आवे, न तो उनके द्वारा दी गई किसी भी तरह का अवैध मुद्रा का सेवन से जान भी जा सकती है। प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरे को फंसाने की साजिश भी की जा रही है, इसलिए उक्त मदिरा को प्रत्याशियों के बीच में बांटकर सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए आपके क्षेत्र में